हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे चैनल वैशाली कैंपस में। दोस्तों, बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। रेलवे सीवीटी 2 जो एग्ज़ाम हुआ था उसका रिजल्ट आज आने वाली है। 6:30 बजे से लॉगिन होगा, तो आप लोग लॉगिन करके देखिए और इस नोटिफिकेशन में क्या है हम पूरा डिटेल्स बताएंगे। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए हम आपको नोटिफिकेशन दिखाते हैं। और जो आपका साइको का डेट बता रहा है, प्रोविजन जो टेंटेटिव डेट है जो 16 अप्रैल से बताया जा रहा है, तो हो सकता है कि इसी डेट पे हो जाएगा। तो चलिए हम आपको पहले नोटिफिकेशन दिखाते हैं और उसके बाद क्या क्या नोटिफिकेशन में दिया हुआ है। तो चलिए हम नोटिफिकेशन देखते हैं। दोस्तों देख सकते हैं, यहाँ नोटिफिकेशन में डाउनलोड करके रख चुका हूँ, तो आप लोग भी इलाहाबाद RRB इलाहाबाद से डाउनलोड कर लीजिएगा, तो वहाँ से डाउनलोड हो जाएगी। अगर और भी ऑफिशियल वेबसाइट पे आ गई है और भी जोन के, तो देखिए फाइनली नोटिफिकेशन में क्या लिखा हुआ है मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ, नहीं तो बहुत बड़ी टाइम हो जाएगी, बहुत बड़ी वीडियो। तो देखिए इसमें लिखा हुआ है कि आपका CBT 2 एग्ज़ाम जो हुआ था, आपका एग्ज़ाम कितने 21-22-23 तारीख को हुआ था और जो ऑब्जेक्शन का डेट था 18 से 20 तक था। और उसके बाद आपका जो देखें, मैं हर वीडियो में आपको बताता था कि नॉर्मलाइजेशन पार्ट बी में होगा। मेरे जितने भी वीडियो हैं सभी में आप जाके देख लीजिए, इसमें डायरेक्ट वही बताया है कि आपका ऑब्जेक्शन जितने क्वेश्चन पे हुआ है, अगर क्वेश्चन है तो उसका नंबर इंक्रीज हुआ है, अगर क्वेश्चन गलत है तो उसको क्वेश्चन को इग्नोर किया गया है। और उसके बाद आपका रिजल्ट फाइनल बनाया गया है स्कोर कार्ड, और उसमें देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है नॉर्मलाइज स्कोर फॉर बोथ पार्ट ए एंड पार्ट बी फॉर इनफॉर्म ऑफ कैंडिडेट। तो देखिए आपका दोनों में नॉर्मलाइजेशन किया गया है फाइनली। आप लोग खुश हैं? तो आप अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो देखिए, और आपका बताया जा रहा है कि देखिए आज 6:30 बजे 23 तारीख से 25 तारीख तक ये लिंक एक्टिवेट रहेगा, जहां से आपका मतलब रॉ मार्क्स और कितने नंबर नॉर्मलाइजेशन हुए हैं टोटल पार्ट ए एंड पार्ट बी के जो देख सकते हैं। और उसके बाद देखिए, तो आप यहां आपका सिर्फ ALP वाले के रिजल्ट बताया जाएगा, जिनके मतलब 16 तारीख को साइको के लिए डेट बताया जा रहा है। तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं, तो ये आपका फाइनली आ गया हुआ है। तो आप लोग जल्दी अगर चेक कर ले हैं तो स्कोर कार्ड, इसमें स्कोर बताइए और कितने नंबर बढ़े हैं ये ज़रूर बताइएगा। तो आपको अब 6:30 बजे का इंतज़ार कीजिए, जैसे ही कोई भी अपडेट आती है तो मैं फिर से मिलता हूँ। तो देखिए आपका फाइनली आपका पार्ट ए एंड पार्ट बी में नॉर्मलाइजेशन हुआ है। थैंक यू, जैसे भी कोई अपडेट आती है हम आपसे फिर मिलते हैं, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए।